बड़ी खबर सामने आ रही है जहां जिले के कुदरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि विवेक कुमार कुदरा के सकरी से बारात भभुआ कैमूर होटल में आया था, उसी में शामिल हुआ था। खाना खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ वापस सकरी लौट रहा था। कुदरा के आलोक सिंह के छत पर आराम करने के लिए अभी कपड़ा उतारा ही था, तभी आलोक सिंह ने गोली मार दी। अफरा तफरी मच गई। दोस्त किसी तरह उसे कुदरा PHC लाए जहाँ उसे भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के कारण का पता अभी नहीं चल पाया है। बता दें कि पुलिस भी जाँच में जुटी हुई है, साथ ही परिजनों ने भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैसे मामला हुआ है? मेरा बच्चा कल 18 तारीख को सकरी निवासी रोगी सिंह के यहाँ नेवता पुराने के लिए आया था और मेरे बच्चे के साथ दो बच्चे थे, मेरे ही गांव के, सुनील कुमार और विवेक कुमार, जो कल सकरी से भभुआ कैमूर होटल में बारात आई थी। उस बारात में मेरे बच्चा भी आया था, लेकिन यहाँ से लौटने के बाद 3 बाइक से 7 बच्चे यहाँ से गए हैं, जिसमें 2 बच्चे तो हमारे थे गांव के, एक मेरा बच्चा था, एक मेरे गांव के बच्चा था, लेकिन उसके अलावे 5 बच्चे सकरी के थे। उन बच्चों को साथ यहाँ से खाना दाना खाने के बाद बच्चा जो है सो सकरी के लिए निकला। यहाँ से सकरी जाने के बाद आपका उनका नाम है आलोक कुमार सिंह, पिता महंगू सिंह के यहाँ जा कर के लोग छत पर गए और छत पर जा कर के बच्चा हमारा यानी आराम करने के लिए वहाँ शर्ट वगैरह का बटन खुला। अभी भी बटन हमारे बच्चे की खुला हुआ, क्योंकि नई शर्ट है उसका बटन तो खुलने कोई चीज़ें नहीं, और वहाँ बटन खोल करके बैठा। उसी बीच में आलोक कुमार सिंह पिता महंगू सिंह हमारे बच्चे पर गोली चला दी। मतलब अपना घर में ही अपने छत पर गोली चलाए हैं जी। हमारे बच्चे की हालत अति दयनीय हो गई। वहाँ से 2 बच्चा हमारा लेकर के उसको टांग कर करके लेकर किसी तरह भागा सरकारी हॉस्पिटल में कुदरा, और कुदरा सरकारी हॉस्पिटल उसको रेफर करते हुए अपने एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भभुआ को विदा कर दिया। हम लोगों को फोन के माध्यम से जब पता चला कि भाई इस तरह की घटना घटी है, आप लोग जल्दी आइए, हम लोग जब यहाँ आए तो देखे कि हमारा बच्चा का निधन हो चुकी है। यही हमारी बयान। क्या नाम है लड़का का? मेरे बच्चा का जिसकी हत्या हुई उसका नाम है विवेक कुमार, पिता राजेश कुमार सिंह। अच्छा, हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कोई कारण नहीं, मेरा बच्चा तो अभी इंसॉल्मेटिक का, तो वो मर्डर करने का पीछे तो कुछ तो होगा, या तो कुछ कोई कारण हमारे हम लोगों के दृष्टि में कोई कारण नहीं है। अब चाहे वो हत्या करने वाले जिस ही कारण से किया हो, आपके बच्चा के साथ जो था वो उसने देखा कि फलना फलना गोली जी, वो उसके साथ में है, अभी भी है, जो पुलिस गिरफ्तार किया लोगों, हाँ उसको लेकर गया है बयान वगैरह लेने के लिए, जो कुदरा पुलिस। गिरफ्तारी नहीं हुआ है? गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कामेश्वर सिंह है, और मेरा बच्चा भाई लगेगा, चचेरा भाई लगेगा। हमारे यहाँ रात में कॉल गया कि आपका लड़का का गोली लग गया है। हम वहाँ से हमारे यहाँ 11:30 बजे के आसपास में, तो हमारे यहाँ शादी था, हम हल्दी में थे, तो वहाँ से सर हम लोगों ने परिवार पूरा जाइलो लिए, वहाँ से चल दिए, यहाँ आए तो देखे डेड बॉडी पाए। एक हमारे गांव का बगल का हमारा ही बच्चा था, उसको होश नहीं था, अफरा तफरी में था, तो उससे जब होश आया तो बड़ा बाबू ने कुदरा थाना पूछे कि कौन तुम्हारे साथ में था, कौन ये घटना का अंजाम दिया है, तो बोला कि सर यहाँ से हम लोग खाना वाना खा करके बाइजत चल गए, भगवान बरात आया था, हाँ यहाँ से हम लोग चले गए आलोक के छत पर, और छत पर उन्हीं ने आलोक ने पिस्टल निकाल कर इनको गोली मार दिया। वो लड़का यही बोला, जो कि उसको फिर यहाँ से अपने साथ में बड़ा बाबू ले गए हैं। तो उसके बाद आप लोग मतलब उसको इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल आए, तो हम कहाँ लाए, हम तो थे घर पर। वही लड़का जो सुनील नाम का लड़का है, हमारा रिश्ता में लड़का का लड़का है वो, और एक प्रिंस नाम का लड़का सकरी का, 2 लड़का उसको ले PMC कुदरा से डॉक्टरों ने रेफर कर दिया भभुआ लेकर आया। हम जब आए तो डेड बॉडी पाए। हम अपना न्याय चाहते हैं कि जो घटना का अंजाम दिया है उसको सर मतलब कि कस्टडी में जल्द से जल्द लिया जाए, इसलिए कि तो कोई अच्छी बात नहीं है कि
सर तो सर सामने लड़का बोल रहा है कि आलोक नाम का लड़का है वो गोली मारा है। गोली मारने का पीछे है कारण क्या है, मकसद क्या है बताइए। ये तो सर हम नहीं बता, भूमि विवाद है या वहाँ हमारा मकान है जो कि खरीद कर हम बनाए हैं। अच्छा। हमारा भूमि जो पहले से पूर्वजों का है वो तो देहात में है। देहात कारण आपको पता चल रहा है क्यों मारे हैं आप? अभी तो कोई पता नहीं है, पता चलेगा तो हम बताएंगे। घटना कारण खुद बताएगा। इधरा में भी घर आपका नाम क्या है? राजेश कुमार सिंह। लड़का मृतक पिताजी? पिताजी जी सर।